रिसेंटली हाल फिलहाल में इंडिया एंड अल्बानिया ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के जो दूसरे की जो राजधानी है उसमें डिप्लोमेटिक या राजनयिक मिशन को ओपन करेंगे। अभी तक वो दोनों देशों के बीच दोनों देशों के जो राजधानियाँ हैं उसमें कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं था और भारत का जो वहाँ पे प्रेजेंस था इन टर्म्स मतलब जो उपस्थिति थी राजनयिक के रूप में वहाँ पे सिर्फ एक काउंसिल जनरल था। काउंसिल जनरल डिप्लोमेटिक जो राजनयिक मिशन होता है उसके नीचे आता है। अगर हम इंडिया और अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर हम इस राजनयिक मिशन को स्थापित करने के उद्देश्यों की बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे दोनों देशों के जो संबंध होंगे द्विपक्षीय संबंध इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छे संबंध होंगे। साथ में जो भी भारतीय नागरिक अल्बानिया में इस समय कार्यरत हैं किसी भी तौर पे उनकी सहायता की जा सकेगी। लेकिन अगर हम अल्बानिया की बात करें तो वहाँ पे जो भारतीय मूल के निवासी हैं बहुत ही कम की संख्या में, कुछ सौ लोग मतलब फ्यू हंड्रेड पीपल, कुछ सौ लोग अभी वहाँ पे अल्बानिया में कार्यरत हैं। फिर भी अगर हमारा डिप्लोमेटिक मिशन, राजनयिक मिशन वहाँ पे ओपन होता है, इससे उन लोगों की सहायता की जा सकेगी। साथ में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ में भारत जो है, चूँकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसे बहुत निवेश की ज़रूरत है। साथ में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो इस तरह के अगर हमारे संबंध होंगे इन कंट्रियों से तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगा और ये काफ़ी लाभदायक होगा। साथ में अगर इंडियंस जो है भारतीय वहाँ पे कार्य करेंगे तो रेमिटेंसेस भारत में आएगा। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहीं आता है तो भारत में आता है। साथ में भारतीय के हितों का बढ़ावा देना, साथ में हमारा जो मिशन होगा, जो भी भारतीय इंटरेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे मिलिट्री के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हमारे इन संबंधों इन सब हितों को बढ़ावा मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और भी है, जो मदर टेरेसा जो है वो अल्बानिया मूल की थी लेकिन उनका जन्म जो हुआ था नॉर्थ मैकेडोनिया में हुआ था। उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साथ में भारत सरकार ने भी उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल में कैग ने मध्य प्रदेश सरकार के जो एक्सपेंडिचर थे, खर्चे थे, उनका ऑडिट किया है, कैग ऑडिट किया है, और उस ऑडिट में ये पाया गया है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है 167 करोड़ रुपए का जो कंपा फंड था उसका दुरुपयोग किया है। अगर हम कंपा फंड की बात करें तो इसका जो कंपा फंड है उसका मतलब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड फॉर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगर हम सिंपल तौर में इस कंपा फंड की बात करें तो ये जो फंड होता है, ये जो भी कंपनीज जंगली क्षेत्रों में कार्य करती है, फॉरेस्ट में कार्य करती है, वो इनको मैंडेटरी, ये अनिवार्य है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फंड जो है, पैसा जो है, राशि वो देना पड़ता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये माना जाता है कि चूंकि कंपनीज माइनिंग, कोल एक्सट्रैक्शन मतलब कोयले को निकालने में, माइनिंग करने में, या फिर किसी भी रिक्रिएशनल पर्पज मतलब टूरिज्म जो हुआ, अगर उसके भी क्षेत्र में कार्य करती है तो कहीं ना कहीं वो जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे और उसी नुकसान की भरपाई के रूप में उन्हें ये फंड दिया जाता है। ये जो फंड होता है अनिवार्य रूप से देना होता है और ये केंद्र सरकार को दिया जाता है। केंद्र सरकार कुछ इवैल्यूएशन करने के बाद ये जो फंड होता है राज्य की सरकारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। फिर ये राज्य की सरकारों का दायित्व होता है कि इस फंड का प्रॉपर उपयोग किया जाए। लेकिन यहाँ कैग की जो रिपोर्ट है उसमें पाया गया है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको जहाँ पे इसको उपयोग करना चाहिए वहाँ पे इसका उपयोग नहीं किया गया है और इसे किसी और क्षेत्र में
इसका उपयोग किया गया है। अगर अगर हम कंपा फंड की बात करें, इसका मतलब हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जो कंपा फंड होता है उसका उपयोग क्या बात करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है इस फंड को रखने का, तो इसका फंड जो होता है आप प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन मतलब एफॉरेस्टेशन में कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी फॉरेस्ट नष्ट हुआ है फिर से वहाँ फॉरेस्ट जंगल को उगाने के लिए इस फंड का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर वनों की गुणवत्ता बढ़ाने में कभी कभी ये होता है कि आग लगने से या किसी माइनिंग की वजह से जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट होता है, वनों की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है, तो हम इस फंड का उपयोग भी उस वहाँ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वन्य जीवों के आवासों में सुधार, जो वन्य जीव होते हैं लाइक टाइगर और भी जो वन्य जीव होते हैं उनके हैबिटेट में इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस फंड का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही हम मृदा एवं जल संरक्षण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि जो माइनिंग जो होती है या कोयले का जो हम निकालते हैं उसमें मृदा मिट्टी जो होती है, मिट्टी और जो जल होता है वो कंटेमिनेट होता है मतलब प्रदूषित हो जाता है, तो इस क्षेत्र में भी हम इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। वन संरक्षण फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मैन पावर की ज़रूरत हो, फॉरेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत हो या और किसी तरह से, हम इस वन संरक्षण में भी इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जंगल की आग पर नियंत्रण, जो जंगल की आग है ये बहुत ही रैम्पेंट हो गई है मतलब बहुत ही कॉमन हो गई है और एक बहुत ही मतलब चिंतनीय विषय है। अभी रिसेंटली हमने पाया कि अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भीषण आग लगी थी और साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक है वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जो फ्रिक्वेंसी है आग लगने की जंगलों में ये बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है और ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। जो वैज्ञानिक है इस जो जंगल की आग को क्लाइमेट चेंज से जोड़ रहे हैं और ये कुछ हद तक सही भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है एक्सट्रीम लेवल का किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है और ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। हम ये देखते हैं कि जो कुछ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से ज़्यादा बारिश हो रही है, इससे वहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेन जो है जो इंटेंसिटी वर्षा की जो इंटेंसिटी है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम हो रही है, इससे जो लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो जो जंगल की आग है एक क्लाइमेट चेंज से बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। भारत में भी ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं और ये हर एक साल इसमें इंक्रीज हो रहा है। जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हो रहे हैं और जंगल में आग की जो घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, तो भविष्य में ये बढ़ेगी। तो इस फंड का भी उपयोग हम जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कंपा फंड के बारे में थे। धन्यवाद।